तो हाँ, तो यार गाइज, हाँ जी ना, आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैक्टर का एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम दिखाऊंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम में हमने कौन कौन से प्रोडक्ट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, कौन सा सबवूफर का इस्तेमाल किया है, कौन से एम्पलीफायर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम की फुल बेस और फुल साउंड टेस्ट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अपने ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम का फ्रंट, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इसके अंदर हमने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगे हैं सोनी के 6-9 के दो स्पीकर, जो कि ओरिजिनल स्पीकर हैं। और ये है दोस्तों यहाँ पर हमारा पाइनियर का 12-12D4 सबवूफर, जो कि 500 वाट RMS का है। और दोस्तों, ये जो आप इसकी बॉडी देख पा रहे हो, ये जो आप इसकी कैबिनेट देख पा रहे हो, ये पूरा हैवी सेट बना हुआ है। हैवी कैबिनेट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, पूरा हैवी सेट बना हुआ है। तो ये तो है दोस्तों इसके फ्रंट की बात। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस ट्रैक्टर के म्यूजिक सिस्टम को सीधा कर लेता हूँ, किस तरह से मैंने यहाँ पर एम्पलीफायर को इस्तेमाल किया है और किस तरह से मैंने यहाँ पर स्टीरियो को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, वो भी आपको बताता हूँ, और कौन सा एम्पलीफायर है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ट्रैक्टर का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको मैंने यहाँ पर सीधा कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो अभी जो स्पीकर हैं हमारे, वो फ्रंट में आ चुके हैं ऊपर की तरफ। और एम्पलीफायर को दोस्तों मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर इंस्टॉल किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो यहाँ पर लगा है अपना मेगा बॉक्स का हाई पावर 4 चैनल एम्पलीफायर, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और दोस्तों, साइड में लगा है हमारे पास यहाँ पर एक MP3 प्लेयर, जो कि स्टीरियो है, कार वाला प्लेयर है। इस स्टीरियो के अंदर आपको ऑक्स मिल जाता है, पेन ड्राइव मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, बेसिक जितने भी दोस्तों हमारे फीचर होते हैं वो सारे यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस स्टीरियो को मैंने यहाँ पर एक पत्ती से इंस्टॉल किया है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। और दोस्तों, कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरा जो लोड है वो हमारे मेगा बॉक्स के इस 4 चैनल एम्पलीफायर पे है। ब्रिज मोड में मैंने इसको सबवूफर को यहाँ पर चलाया है, और दोनों स्पीकर भी दोस्तों मैंने यहाँ पर ही चलाए हैं। और दोस्तों, नीचे की तरफ मैंने एक यहाँ पर स्टिप लगाई है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। इस स्टिप लगाने का फ़ायदा देखने के लिए हमें ये मिल जाता है, जब भी हमें अपने ट्रैक्टर पे इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से ही सीधा हम इसकी जो पावर की वायर है वो ले सकते हैं। सारे कनेक्शन इसके इंस्टॉल रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो एम्पलीफायर और स्टीरियो कुछ इस तरह से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, और पूरा जो सेटअप है वो देखने में कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये म्यूजिक सिस्टम किन के लिए तैयार किया गया है। तो देखिए दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका नाम है गुलशन, जो कि दोस्तों कासगंज से हैं, और कासगंज दोस्तों हमारी दुकान से 270 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों, ये म्यूजिक सिस्टम उनके लिए ऑर्डर पे तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये हैवी सेट है, बहुत ही ज़्यादा हैवी सेट है। और दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह का म्यूजिक सिस्टम हमसे तैयार कराना है ऑर्डर पर, तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप इस तरह का म्यूजिक सिस्टम अपने हाथ से बनाना चाहते हो, घर पर किस तरह से बनाया जाता है, तो इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, इनमें से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदना हो, तो इनके सभी के खरीदने का लिंक, ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से भी जाकर इन सबवूफर या फिर एम्पलीफायर या फिर स्पीकर को भी ख़रीद सकते हो। तो अब है दोस्तों आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराने की बारी। और साउंड क्वालिटी चेक कराने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप एयरफोन का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर आपको इस म्यूजिक सिस्टम की सॉन्ग पर, अगर आपको इसकी बेस को टेस्ट करना हो, सॉन्ग पर अगर आप इसकी साउंड को टेस्ट करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम पर मैं इसकी सॉन्ग की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी साउंड चेक करा देता हूँ।
तो हाँ, तो दोस्तों आपको इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपको ये म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको ये म्यूजिक सिस्टम मुझसे खरीदना है, ऑर्डर पर बनवाना है, तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना हो, चाहे वो सबवूफर हो, एम्पलीफायर हो या फिर स्पीकर हो, तो इन सभी प्रोडक्ट के ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिला आपको सबसे पहले, और सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।